हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। एसएससी एमटी 2019 का इंग्लिश हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे थे। लास्ट 5 क्लासेस पे हमने एरर डिटेक्शन का क्वेश्चंस किया है। जितने भी टाइप का एमटी 2019 में क्वेश्चंस आया था, मोस्टली हमने कवर कर लिया था एरर डिटेक्शन के टॉपिक से। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक चूज कर रहे हैं वो है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट हम करेंगे डेली 2 सेट करके, 2 क्लोज टेस्ट करेंगे, दैट मीन्स 10 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। एंड ऐसे ही क्लोज टेस्ट खत्म होने के बाद कोई और नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे इंग्लिश के। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको इच्छा हो तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो एंड वहाँ पे अपना डाउट्स भेज सकते हो। लेटेस्ट जो एमटीएस 2019 का क्वेश्चन था वो टीसीएस पैटर्न का था। टीसीएस ने वो क्वेश्चन किया था एंड उसके ऊपर बेस करके हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। ये कितना क्वेश्चन आता है हर चैप्टर से उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पॉटिंग एरर से 3 क्वेश्चन आता है जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था एंड अब हम क्लोज टेस्ट कवर करेंगे। क्लोज टेस्ट मतलब 5 क्वेश्चन आता है आउट ऑफ 25। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, क्लोज टेस्ट हमें कैसे करना है। क्लोज टेस्ट में क्या आता है, एक ऐसा पैसेज आता है, ओके, एंड वहाँ पे 5 ऐसे ब्लैंक्स रहेगा एंड ये ब्लैंक्स में कुछ भी आ सकता है। मतलब कोई वर्ब से रिलेटेड ब्लैंक्स हो सकता है, वोकैब आ सकता है, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकता है, कुछ भी ये ब्लैंक्स पे बैठ सकता है। तो अगर आपको ये पढ़ के मतलब ऐसे 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस अगर आपको जाते हुए समझ नहीं आता है कि क्या यहाँ पे बैठ रहे हैं एंड क्यों क्या आना चाहिए, तब आपको क्या करना है, ये जो पूरा पैसेज है ना वो आपको पूरा पढ़ लेना है। जब आप अच्छे से पूरा पढ़ लोगे तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि ये जो कम्प्रिहेंशन है, जो पैसेज है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए, जब आप क्लोज टेस्ट करेंगे तो आपको इंग्लिश को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अगर आपको नहीं समझ आया कि ये ब्लैंक्स में क्या बैठेगा तो आपको क्या करना है, पहले ये पूरा जो पैसेज है एक बार पढ़ लो। पर अगर आप पढ़ोगे तो एक अच्छा सा एक आपको आइडिया आ जाएगा कि ये पैसेज में एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, तो तब आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफोरेस्टेशन डैश द परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू डैश। अच्छा देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डिफोरेस्टेशन परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट है। दैट मींस डिफोरेस्टेशन को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि डिफोरेस्टेशन क्या है। डिफोरेस्टेशन परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे क्या बैठना चाहिए, इज बैठना चाहिए। डिफोरेस्टेशन इज द परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, डिफोरेस्टेशन यहाँ पे इज आ गया, ओके। डिफोरेस्टेशन इज द परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू व्हाट, इन ऑर्डर टू डैश द लैंड अवेलेबल फॉर अदर यूजेस। अब देखिए, टू के बाद हम क्या जानते हैं, टू के बाद वर्ब पे फर्स्ट फॉर्म बैठता है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, इस सेकेंड वाला है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, मेक आना चाहिए। तो इससे मीनिंग क्या निकल के आया कि डिफोरेस्टेशन क्या होता है, फॉरेस्ट को परमानेंटली डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जो जहाँ पे जो भी लैंड पे वो फॉरेस्ट है वो कोई और काम के लिए यूज किया जाए, तो इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, टू मेक द लैंड अवेलेबल फॉर अदर यूजेस। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इज आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, टू मेक, मेक आ गया। ठीक है, अब देखिए, इट डैश अराउंड द वर्ल्ड, दो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर पार्टिकुलरली डैश। अब देखिए, इट डैश अराउंड द वर्ल्ड मतलब कि डिफोरेस्टेशन में यहाँ पे बोल रहा है कि डिफोरेस्टेशन परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट है एंड ये क्यों होता है, क्योंकि जो लैंड में फॉरेस्ट है वो अदर कामों के लिए अवेलेबल करना है, इसलिए डिफोरेस्टेशन करवाते हैं वो लोग। तो ये पूरी दुनिया में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट में ही तो यहाँ पे चल रहा है ना। ये तो पूरा पैसेज अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो पूरा पैसेज है प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए, आपको ऐसे भी कोई सोचने वाली बात नहीं है कि यहाँ पे आपको कौन सा वॉकअप बैठेगा वो आपको एज्यूम करना होगा, वो आपको समझना होगा। यहाँ पे सब एक ही ऑप्शन, कैरेक्टर्स इनका अलग अलग है, कोई पास्ट में है, कोई प्रेजेंट में है, कोई पार्टिसिपल में है, तो ऐसे करके यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे ईट के साथ क्या आएगा, ऑकर्स आएगा। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, कि ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट चल रहा है, डिफोरेस्टेशन चल रहा है, वो क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में ही घट रहा है। नेक्स्ट देखिए, इट यहाँ पे क्या हो गया, इट ऑकर्स हो गया। ठीक है, इट ऑकर्स अराउंड द वर्ल्ड, दो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पार्टिकुलरली डैश। अच्छा देखिए, ये पूरी दुनिया में ही घट रहा है, बट ट्रॉपिकल दो के मतलब आपको समझ ही गए होंगे कि ये तो पूरी दुनिया में घट ही रहा है, बट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज्यादा हो रहा है, मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पर्टिकुलरली वहां पे ज्यादा हो रहा है, तो रॉब्ड होगा क्या,
रॉब का तो यहाँ पे कोई सीन नहीं है, रॉब लूटेड इज रिलेटेड टू रॉबरी, ये नहीं हो सकता। अब देखिए एम टेक पॉजिटिव दिख के लिए हम बोलते हैं कि आपका एम क्या है, आपका एम है एसएससी का एग्जाम क्रैक करना, डिफोरेस्टेशन आपका एम है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, डिफोरेस्टेशन मेरा एम हो गया, तो ये एम हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, तो यहाँ पे एम नहीं हो सकते, यहाँ पे टारगेटेड होगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को टारगेट किया जा रहा है। सारी दुनिया में तो घट ही रहा है, बट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को स्पेशली पर्टिकुलरली यहाँ पे टारगेटेड टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, अब हमारे लास्ट ही ब्लैंक बचे है। लास्ट क्या बोल रहे हैं कि इफ करेंट डिफोरेस्टेशन लेवल्स डैश द वर्ल्ड्स रेन फॉरेस्ट में कम्प्लीटली वैनिश इन एज लिटिल एज 100 ईयर्स अकॉर्डिंग टू नेशनल ज्योग्राफिक। तो नेशनल ज्योग्राफिक जो एक संस्था है, मतलब आपको जानते ही होंगे, नेशनल ज्योग्राफिक टीवी चैनल भी है, नेशनल ज्योग्राफिक के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा डिफोरेस्टेशन लेवल, अगर ऐसे ही होता रहा तो वर्ल्ड का जो रेन फॉरेस्ट है वो 100 वर्षों के अंदर ही खत्म हो जाएगा, मतलब 100 ईयर्स के अंदर अंदर ही वो सभी जो रेन फॉरेस्ट है वो वैनिश हो जाएंगे। अब अगर आप ये पढ़ोगे ना, आपके पढ़ते हुए ही आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर ऐसे ही डिफोरेस्टेशन चलता रहा तभी तो जाके ना रेन फॉरेस्ट वैनिश होगा विद इन 100 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक चलता रहा ऐसा सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे चलता रहा मतलब कंटिन्यू आएगा। If current deforestation levels continue, maintain, deforestation तो maintain करने का कोई चीज नहीं है, process कोई यहाँ पे process तो नहीं है ना, जब process होगा तो process का भी कोई बात आता नहीं है यहाँ पे, and follow तो कुछ यहाँ पे जचता नहीं है, ये meaning नहीं आता, meaning नहीं suit करता, एक proper vocab यही है कि deforestation levels continue, the world's rainforest may completely vanish in as little as 100 years according to National Geographic। तो हमारे यहाँ पे एक क्लोज टेस्ट खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट क्लोज टेस्ट में जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर ऑलिवर वॉज टेकिंग अ शॉर्टकट। अच्छा, मिस्टर ऑलिवर जो था वो एक शॉर्टकट ले रहे थे, तो वो कहां से शॉर्टकट ले रहे थे, मिस्टर ऑलिवर वॉज टेकिंग अ शॉर्टकट डैश द पाइन फॉरेस्ट व्हिच वॉज मेकिंग सैड। अच्छा देखिए, वो शॉर्टकट कहां से ले रहे थे, एक पाइन फॉरेस्ट के अंदर में से ले रहे थे, मतलब वो पाइन फॉरेस्ट के अंदर से एक शॉर्टकट ले रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, पाइन फॉरेस्ट द्वारा शॉर्टकट ले रहे थे, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता ना, तो इसलिए वो पाइन फॉरेस्ट के अंदर से जा रहे थे, ही वॉज टेकिंग अ शॉर्टकट थ्रू द पाइन फॉरेस्ट आएगा। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट के अंदर से जाने की बात होता है ना, तब हम थ्रू यूज करते हैं। ठीक है, थ्रू यूज करते हैं तब, जैसे कि ऐसे बोलते हैं कि थ्रू द टनल बोलते हैं। ठीक है, थ्रू द फॉरेस्ट यहाँ पे जैसे कहा गया, ऐसे भी बोलते हैं थ्रू द फॉरेस्ट। तो ये समझ लो, अगर ऐसे कोई 3D टाइप का ऑब्जेक्ट हो तो तब हम थ्रू यूज करते हैं, उसके अंदर से अगर आपको जाना पड़े तो आप थ्रू यूज करना होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा कि मिस्टर ऑलिवर वॉज टेकिंग अ शॉर्टकट थ्रू द पाइन फॉरेस्ट व्हिच वॉज मेकिंग सैड डैश साउंड्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स। अच्छा नेक्स्ट देखिए, तो ये तो हो गया थ्रू हो गया यहाँ पे, थ्रू द पाइन फॉरेस्ट व्हिच वॉज मेकिंग सैड डैश साउंड्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स। अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव सा बोल रहा है, ऐसा कुछ नेगेटिव साउंड्स हो रहा था बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स के वजह से। ठीक है, तो ऑसम तो नहीं हो सकता ना, अगर कोई ऑसम साउंड्स हो रहा है तो वो तो उनको सैड नहीं करेगा। ठीक है, बैंगिंग मतलब लाउड एनर्जेटिक बीट, बैंगिंग मतलब ये होता है। ठीक है, अलाउड का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, तो ये एरी जो है ये है इसका एक्चुअल में बैठेगा। एरी का मीनिंग क्या होता है वो एक बार देख लो, ये एरी का मीनिंग होता है स्ट्रेंज, फ्राइटेनिंग। एरी का मीनिंग होता है स्ट्रेंज, फ्राइटेनिंग, इसका सिनोनिम भी समझ लो अनकैनी, ये वर्ड भी एसएससी का फेवरेट है, अनकैनी। ओके, सो एरी का मीनिंग होता है स्ट्रेंज, फ्राइटेनिंग, एंड इसका सिनोनिम है अनकैनी, तो ऐसा ही यहाँ पे बैठना चाहिए, ऐसा कुछ साउंड हो रहा था बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, दैट्स व्हाई ही वाज सैड ना, तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया ना, यहाँ पे कोई हैप्पी वाला कुछ नहीं बैठेगा, यहाँ पे नेगेटिव एक सेंस आएगा, एंड दिस इज नेगेटिव बिकॉज इट इज स्ट्रेंज, इट मीन्स स्ट्रेंज एंड फ्राइटेनिंग, डरा हुआ एक सा साउंड आ रहा था बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स। नेक्स्ट देखिए, ही डैश अ लोनली बॉय सिटिंग ऑन अ रॉक। अब उन्होंने क्या हुआ था, उन्होंने एक अकेले लड़के को देखा, वो बैठे हुए थे एक रॉक के ऊपर, तो रिकॉर्डेड तो यहाँ पे नहीं होगा, उन्होंने तो रिकॉर्ड कुछ नहीं किया था,
पॉइंटेड ऐसा कुछ किसी और को तो नहीं दिखा रहा था कि पॉइंटेड आएगा, रिमार्क का भी कोई सीन नहीं आता है, तो नोटिस्ड उन्होंने देखा था, मतलब उन्होंने नोटिस किया था, उन्होंने नोटिस किया था एक लोनली बॉय बैठा हुआ है रॉक के ऊपर, ठीक है। तो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, डैश बॉय वॉज वीपिंग साउंडलेसली। अब देखिए उन्होंने ऑलरेडी देख लिया है एक लोनली बॉय बैठा हुआ है, यहाँ पे ए क्यू यूज हुआ है। देखिए उन्होंने एक लड़के को देखा था जो रॉक के ऊपर बैठा था, जब उन्होंने देखा था तब वो बॉय एक इनडेफिनिट पर्सन था, क्योंकि उन्होंने वो फर्स्ट देखा, उन्होंने उनको नहीं जानते थे कुछ भी नहीं, वैसे एक लड़का बैठा था, उन्होंने उनको नोटिस किया, तो तब हमने इनडेफिनिट आर्टिकल यूज किया। अब क्या हो गया, उन्होंने ऑलरेडी उनको देख लिया है, उन्होंने ऑलरेडी उनको नोटिस किया है, अब फर्दर उन्होंने देख रहा है कि जो बॉय रॉक के ऊपर बैठा था वो वीपिंग साउंडलेसली, वो रो रहे थे, ठीक है। तो अब क्या वो इनडेफिनिट रहा, वो तो इनडेफिनिट नहीं रहा, वो तो एक डेफिनेट हो गया, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उनको समझ लिया था कि एक ऑलरेडी उनको पॉइंट आउट किया गया था कि वो एक बैठे, अब वो लड़का रो रहा था, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल बैठेगा, ये तो नहीं होगा, ईच का तो कोई बात ही नहीं आता, इनडेफिनेट नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे द आएगा, द बॉय वॉज वीपिंग साउंडलेसली। लास्ट क्वेश्चन में चले आए हम, देयर सीम टू बी डैश टेरिबली रॉन्ग विद द बॉय, मतलब उनके साथ कुछ तो गलत हुआ था, तभी उन्होंने अकेले बैठे थे एंड रो रहे थे ना, तो देयर सीम टू बी समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद द बॉय, एनीथिंग नथिंग तो होगा ही नहीं, अगर कुछ भी उनके साथ गलत नहीं हुआगा तो वो क्यों रोएगा, तो नथिंग का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, एवरीथिंग सब कुछ उनके साथ गलत हो रहा है, ऐसे भी हम अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, तो सब कुछ गलत कैसे हो सकता है, तो इसलिए समथिंग इज द एप्रोप्रिएट। अगर आप पढ़ोगे भी तब भी आपको समझ आएगा कि यहाँ पे समथिंग ही आएगा, देयर सीम टू बी समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद द बॉय। ओके, तो आज हमारे जो दो क्लोज टेस्ट का क्वेश्चंस था, मतलब 10 क्वेश्चंस था, वो हमने खत्म कर लिया, मुझे लगता है आपको समझ आया होगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो, जो आपका मर्जी हो, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, दैट्स ऑल। नेक्स्ट डे पे हम फिर से दो क्लोज टेस्ट करेंगे एंड मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप भी पेन कॉपी लेके बैठ के ये अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।